राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग को 2 दिन सांकेतिक हड़ताल की घोषणा की है। इसके तहत प्रदेश भर में 13 और 14 सितंबर को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इसके बाद भी मांगे नहीं माने जाने पर पेट्रोल पंप संचालकों ने 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। दिनांक 13 और 14 सितंबर 2023 को राजस्थान के समस्त पेट्रोल पंप सुबह 10 बजे से लेकर सायंकाल 6 बजे तक बंद रखे जाएंगे एवं 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। इसका मुख्य कारण है कि राज्य सरकार ने वैट इतना बढ़ा दिया है कि आज हम पड़ोसी राज्यों से सबसे महंगा तेल यहां बेच रहे हैं। भारतवर्ष की बात करें तो हमारा राज्य दूसरे नंबर पे आता है जहां सबसे महंगा तेल बिकता है। पड़ोसी राज्यों से हमारे डीजल की रेट लगभग 11 से 12 रुपए लीटर महंगी है एवं पेट्रोल में 15.5 रुपए लीटर महंगा है। पेट्रोल और डीजल के ऊपर फर्क आ रहा है, बार बार इस फर्क को देखते हुए हम सभी पेट्रोल पंप वालों के लिए ये व्यापार चलाना बहुत मुश्किल हो रखा है। ये इसके ऊपर हजारों आदमियों का रोजगार जुड़ा हुआ है, लेकिन सरकार, हमारे राजस्थान की सरकार इस बारे में कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अगर राजस्थान गवर्नमेंट यहाँ वेट कम करती है तो आमजन में थोड़ा बहुत ये कि महंगाई वैसे ज़्यादा बढ़ी हुई है, थोड़ी बहुत कम होगी, और बाकी जगह से तो यही है कि यहाँ राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा है पेट्रोल।